नमस्कार। करियर और एजुकेशन से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम गाइड में स्वागत है आप सभी का। कोरोना महामारी की वजह से पढ़ाई करने का तरीका, एग्जाम देने का तरीका भी बदल गया है, लेकिन ऐसे समय में भी छात्र कैसे अनेक माध्यमों से पढ़ाई कर सकते हैं, करियर में आगे बढ़ सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं सेज इंस्टीट्यूट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शिवानी अग्रवाल। शिवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच ज्योति। थैंक यू शिवानी। सबसे पहले तो मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि ये जो महामारी है दोबारा विकराल रूप ले रही है, ऐसे में हमारा जीवन और हमारी जो जीविका के लिए लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं, चाहे हर वर्ग का व्यक्ति क्यों ना हो, इस महामारी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? शुरुआत यहीं से करें। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी कि कोरोना कोविड-19 बहुत ही बड़ा पैंडेमिक बन गया है और फिर से हमारे साथ वही सब हो रहा है जो हमारे साथ लास्ट ईयर हुआ था, मतलब 2021 इज सेम एज 2020। तो मेरा बस इसमें यही कहना है कि हम अगर खुद पॉजिटिव रहें, अगर हम खुद अपने आप पॉजिटिविटी रखें, बहुत, क्योंकि बहुत सारे लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, मतलब कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं और बहुत सारा यू नो नेगेटिविटी है एनवायरमेंट में, लेकिन अगर हम खुद को सेफ रखना चाहते हैं तो सबसे पहले मन से स्टार्ट होता है, हमारे मन में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। हम उसके लिए जो प्रयास कर सकते हैं करें, जैसे कि हम स्टीम लें, यू नो आयुर्वेदिक गोलियां लें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, लेकिन नेगेटिव होने से कुछ भी नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिविटी अपने अंदर रखनी पड़ेगी, तभी हम इस महामारी से आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल शिवानी, अगर हम देखें पूरे एक साल, पिछले साल को भी अगर हम देखें तो बहुत सारे जनरल प्रमोशन दिए गए, बहुत सारे एग्जाम को पोस्टपोन किया गया, कुछ एग्जाम्स ऑनलाइन लिए गए, यानी कि हमारा एजुकेशन का जो सिस्टम था, उसका जो तरीका था, वो पूरा का पूरा बदल चुका है। आपको लगता है कि आने वाले समय में, खास करके सेज ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, वो इस पैंडेमिक में कैसे जूझ रहा है, कैसे अपने छात्रों को मोटिवेट करके एग्जाम को भी आगे बढ़ा रहा है? सेज ग्रुप में तो आई एम टेलिंग यू, हम लोगों के सारे एग्जामिनेशंस और जितने भी असेसमेंट्स थे वो कुछ भी आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि हम लोगों ने सारी चीजें ऑनलाइन ली हैं। मतलब वी वर ऑलरेडी वेरी मच प्रिपेयर्ड इस पैंडेमिक में सरवाइव करने के लिए, क्योंकि हमने ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार कर लिया था, हमारा IT इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग था, तो इसीलिए स्टूडेंट्स का यू नो एकेडमिक लॉस तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि पूरे टाइम ऑनलाइन क्लासेस चली हैं, हमारी टीचर्स उनसे पूरे टाइम कांटेक्ट में रही हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने ट्राई किया है कि हम कैसे स्टूडेंट्स को एंगेज रखें, तो उसके लिए हमने अदर देन एकेडमिक एक्टिविटीज समर कैंप्स लॉन्च किए हैं और स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को एंगेज रखा है। तो जो आप बोल रहे थे कि इतनी नेगेटिविटी में पॉजिटिव रहना मुश्किल होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि इंसान पॉजिटिव रह सकता है अगर उसका माइंड फ्री ना हो, अगर वो माइंड से बिजी हो और कहीं प्रोडक्टिविटी में बिजी हो। तो इसीलिए हम लोगों ने ट्राई किया है कि हम कैसे कॉन्टैक्ट बना के रखें आपस में और सबको बिजी रखें। इनफैक्ट ऑल सेजेंस आर ऑल्सो ऑलवेज बिजी, ऑलवेज वर्किंग और यू नो एंगेज इन देयर फैमिली वर्क विद देयर चिल्ड्रन, बस किसी भी तरह बिजी है, तो इसीलिए हम सब बहुत पॉजिटिव हैं। बिल्कुल शिवानी, इसमें एक चीज ये देखने को मिली कि जो इंस्टीट्यूट या जो यूनिवर्सिटीज इसको लेकर तैयारी कर ली, उनके स्टूडेंट्स के एजुकेशन में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, उनकी जो फैकल्टीज है उनको भी फर्क नहीं पड़ा और बच्चे आगे अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो पढ़ाई का तरीका है उसमें क्या स्टूडेंट्स का वैसा डेवलपमेंट हो पा रहा है जैसा कि क्लासरूम में होता है? किस तरीके की खास तैयारी की जरूरत होती है ग्रुप को कि पढ़ाई तो साथ साथ हो, उनका इम्प्रूवमेंट भी हो और रिजल्ट भी बहुत अच्छा है? बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं एजुकेशन में। देखिए, जैसा आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या वैसा ही हो रहा है जैसा ऑफलाइन होगा, तो मेरा आंसर है नहीं, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन इज नीड ऑफ द आवर, हम लोगों को चाहिए कि हम डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो, लेकिन जब स्टूडेंट क्लासरूम में आता है, जब वो यूनिवर्सिटी आते हैं, तो वो सिर्फ एकेडमिक डेवलपमेंट नहीं होता स्टूडेंट का, वो उसका सोशल डेवलपमेंट भी होता है और उसमें संस्कार डेवलप होते हैं, उसमें वैल्यूज डेवलप होते हैं। सेज यूनिवर्सिटी में हमारा मेन मोटिव होता है स्टूडेंट को हम ना ही सिर्फ यू नो एकेडमिकली स्ट्रांग बनाए, हम उनको एक बहुत ही वैल्यूएबल पर्सन बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्टूडेंट कॉलेज आए, तो बट क्योंकि अभी वो पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए हम अपनी जी जान से ट्राई कर रहे हैं कि हम कैसे वो सारी चीजें उनको ऑनलाइन तरीके से भी दे पाए, मतलब स्टूडेंट का कहीं पे भी लॉस ना हो। ऑफकोर्स हम सभी कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन
सिचुएशन में है, लेकिन फिर भी हम जितना बन पा रहा है उतना ज्यादा स्टूडेंट्स को संस्कार शिक्षा, उनको यू नो नैतिक शिक्षा, उनको उनकी स्किल डेवलपमेंट अदर देन एजुकेशन, अदर देन स्टडीज, साथ में ही स्टडीज की इंटर्नशिप्स, प्लेसमेंट ऑफर्स, हम इन सब टाइप की चीज कर ही रहे हैं. वी आर डूइंग आवर बेस्ट एंड आवर स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर बेस्ट. बिल्कुल. तो ओपन यूनिवर्सिटी, डिस्टेंस एजुकेशन, शिवान, इस तरीके की चीजें पहले भी थी, लेकिन अब हमें लगता है कि आने वाले समय में हमको एक विकल्प के तौर पर इस पे काम करना ही होगा. सारे हालात सामान्य हो जाएंगे फिर भी हम इसकी तरफ बने रह सकते हैं. ये हमारे पास एक सब्स्टिट्यूट हो गया है जो काफी स्ट्रांग भी है. आपको लगता है फैकल्टी को भी अब इसमें अपडेट करके इसको एक पूरे प्रोसेस को हमेशा के लिए आगे रखना होगा? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जो कल्चर स्टार्ट हुआ है ये हम सभी पूरी यूनिवर्सिटी फ्रेटर्निटी आई थिंक बहुत टाइम से चाह ही रही थी. हम लोग खुद बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे कि कैसे हम डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो, लेकिन एक वो इनर्शिया था. तो इस COVID-19 ने वो उस इनर्शिया को ब्रेक कर दिया है. अब हम एक्चुअली, क्योंकि उसको करना ही पड़ा इसलिए हमने करना स्टार्ट कर दिया, एंड इट इज अ ग्रेट थिंग टू एक्चुअली डू. इससे हम उन लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं जो कि यूनिवर्सिटी आ नहीं पाते, मतलब हम उन तक पहुंच सकते हैं जो यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच सकते. तो ऐसे यू नो कोर्सेज और ओपन यूनिवर्सिटी जो आपने बोला, ये सब भी बहुत नेसेसरी है. मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑनलाइन के जरिए बहुत अच्छी तरीके से हो सकते हैं और होने भी चाहिए. और ये तो हमेशा रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा. शिवानी, आज की हमारी सबसे बड़ी जरूरत है. सही बात आपने कही कि अगर स्टूडेंट नहीं पहुंचते तो यूनिवर्सिटी ग्रुप्स खुद उन तक पहुंच जाता है ताकि शिक्षा उन्हें मिले, उनका विकास ना रुके. दूसरा महत्वपूर्ण सवाल सेज ग्रुप के लिए ही मैं पूछना चाहूंगी कि 2021 भी बिल्कुल अब मई आ चुका है और ये भी ऐसे ही जाने वाला है, तो ये पूरा सेशन किस तरीके से आप लोगों ने डिवाइड किया है, किस तरीके से एग्जाम्स होंगे, किस तरीके से लेक्चर्स होंगे, किस तरीके से प्लेसमेंट्स होंगे, किस तरीके की तैयारियां हैं आप लोगों की? हम लोग सारी चीजें ऑनलाइन कर ही रहे हैं. जैसे मैंने आपको बताया, हमारे प्लेसमेंट इंटर्नशिप ऑफर्स भी इनफैक्ट हमारे बच्चों को आए हुए हैं और बच्चे पेड इंटर्नशिप कर रहे हैं ऑनलाइन ही. सेज यूनिवर्सिटी भोपाल का दिस इज द फर्स्ट ईयर एंड स्टिल दो बच्चों को हमारे प्लेसमेंट ऑफर्स आए हुए हैं और वो बहुत ही बढ़िया दोनों लड़कियां काम कर रही हैं. सेज यूनिवर्सिटी इंदौर में भी सेम चीज चल रही है. एग्जाम्स जुलाई एंड में होंगे, अगस्त स्टार्टिंग जुलाई एंड में होंगे और वो भी ऑनलाइन ही होंगे. और उसके अलावा भी हम लोग बहुत सारी चीजों पर काम कर, जैसे कि रेज्यूमे डेवलपमेंट स्टूडेंट का, स्किल डेवलपमेंट, तो ये सारी चीजें हमारी टीचर्स ऑनलाइन ले रही हैं, ऑनलाइन टेस्ट ले रही हैं. सिर्फ ऐसा नहीं है, हम लोग हमेशा हमारे स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करते हैं कि आप अपना वीडियो ऑन रखो, ऑडियो ऑन रखो और इंटरैक्टिव क्लासेस बनाने की कोशिश करते हैं सो दैट स्टूडेंट्स की मैक्सिमम लर्निंग हो. जो वो मिस कर रहे हैं फिजिकल क्लासेस ना होने की वजह से, वो चीजें मिस आउट ना हो, तो इन सब चीजों का हम बिल्कुल ट्राई कर रहे हैं. बिल्कुल शिवानी, इस कोरोना काल में अगर हम पिछले साल की बात करें और इस साल भी मई हो चुका है, ऐसे में हमने देखा कि माता पिता बड़े चिंतित थे कि उनकी जब पढ़ाई नहीं हो रही है, जनरल प्रमोशंस हो रहे हैं या उनका प्लेसमेंट कैसे होगा, जॉब कैसे लगेगी. लेकिन इस दौरान हमने अच्छी चीज देखी कि कोरोना काल में इंटरव्यूज भी हुए, प्लेसमेंट भी हुए, जॉब भी लगी और वर्क फ्रॉम होम के फॉर्मेट में लोग अभी भी काम कर रहे हैं. ये एक अच्छा सकारात्मक संदेश है, चाहे बड़े बड़े ग्रुप जो हैं वो सिलेक्शन करते हैं या प्लेसमेंट करते हैं उनके लिए. बिल्कुल, इनफैक्ट हमारे स्कूल में भी, आप जो जनरल प्रमोशन की बात कर रहे हैं, हमने स्कूल में भी, सेज इंटरनेशनल स्कूल में कोई जनरल प्रमोशन नहीं दिया. हम लोगों ने उनके टेस्ट्स लिए हैं बच्चों के, हम लोगों ने उनको ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर पहुंचवाया है और ऑनलाइन आंसर शीट्स बुलवाई हैं बच्चों को. यू नो जूम, स्काइप, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, इन टाइप के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम लोगों ने उनके असेसमेंट टेस्ट किए हैं, 1-to-1 पर्सनल सेशंस किए हैं. हमारे करियर काउंसलर जो हैं वो सब लोग भी एकदम एक्टिव हैं और बच्चों से 1-to-1 मिल रहे हैं. तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि एटलीस्ट एज ग्रुप के तो किसी भी बच्चे का कोई भी लॉस हुआ है. हम लोगों ने बच्चों से 1-to-1 कांटेक्ट बनाकर रखने की पूरी कोशिश की हुई है. बिल्कुल शिवानी, कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो सेज ग्रुप में संचालित होते हैं? और थ्योरी सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो वो तो संभव है, लेकिन जो प्रैक्टिकल है जिसमें फिजिकली आपको प्रेजेंट होना पड़ता है, उसको किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, हमारे यहाँ भोपाल में 9 स्कूल्स हम लॉन्च करे हुए हैं और इंदौर में 14 स्कूल्स लॉन्च किए हुए हैं. और इसमें सारे इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, एडवांस कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंसेज, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, लॉ, लीगल स्टडीज, यू नो बायोलॉजिकल साइंसेज, इन सब टाइप के कोर्सेज हैं. डिज़ाइन और भी मतलब बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि हम सेज यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं. और जैसे कि आपने पूछा, मतलब
हम पूरा ट्राई कर रहे हैं कि जो ऑनलाइन लैब लगती है बच्चों की, उनकी हम वीडियोस प्रोवाइड करें बच्चों को. यूनिवर्सिटी में लैब सेटअप है, तो हमारी फैकल्टी मेंबर यू नो ऑनलाइन बच्चों को एक्सपेरिमेंट करके दिखाती है. ऑफ कोर्स बच्चे बहुत बार एक्सपेरिमेंट खुद नहीं कर पाते, विच इज मिसिंग राइट नाउ, लेकिन अच्छी तरीके से डिटेलिंग करके बताती है कि स्टूडेंट्स जब यूनिवर्सिटी आएंगे तब हम उनको जब एक्सपेरिमेंट कराएंगे तो वो बिल्कुल कर पाएंगे. तो बिल्कुल ऑनलाइन वीडियोस प्रोवाइड करने का काम और यू नो करके एक्सपेरिमेंट दिखाने का काम अभी टीचर्स कर रहे हैं. बिल्कुल शिवानी, और ये हमने देखा कि इंटरनेट जो है वो कोरोना काल के लिए वरदान साबित हो रहा है. जैसा कि आपने वीडियो कहा, छोटे छोटे वीडियो लिटरेचर से लेकर साइंस और टेक्नोलॉजी तक के फैकल्टीज ने जो बनाए हैं वो काफी हेल्पफुल हो रहे हैं. उसमें फैकल्टी भी अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं और बच्चे भी, हमें लगता है कि लर्निंग का जो नया प्रोसेस शुरू हुआ है उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं. बिल्कुल, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि हमने जब एजुकेशन किया था, जब ये ऑनलाइन नहीं था, तब तो एक बार बस टीचर बताते थे क्लास में और हमने उतने में जितना सीख लिया सीख लिया. लेकिन आज के डेट में जब बच्चों के पास वो वीडियो स्टोर में है तो बच्चे उनको दे कैन गो बैक टू दोज वीडियोज एनी टाइम. तो इसीलिए उन लोग के दिमाग में और अच्छे से चीजें याद होंगी क्योंकि वो लोग बार 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 स्टडी कर रहे हैं उस चीज को. तो इसलिए मुझे लगता है स्टूडेंट्स आर बेटर ऑफ. जब कोई समस्या आती है तो कहते हैं कि समाधान भी साथ में आता है. जैसे कि एक रास्ता बंद हुआ कि क्लासरूम बंद हुए, तो ई लर्निंग के माध्यम से बहुत सारे रूम्स खुल गए हैं जो बच्चों को एक अच्छा मौका दे रहे हैं. कुछ और भी चर्चा मैं आपके साथ करूं. शिवानी, जब से कोरोना आया आपने देखा कि स्कूल, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी ऐसी जगह जहां पर एडमिशन ही नहीं हुए, वहां पर पढ़ाई प्रभावित हुई, एडमिशन प्रभावित हुए, ऐसे में सेज ग्रुप को आप कहां पाती हैं? सेज ग्रुप में जैसे कि पूरी दुनिया में अफेक्ट हुआ है तो थोड़ा बहुत अफेक्ट हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इतना नहीं बोलूंगी क्योंकि हमारे यहाँ तो एडमिशन भी बहुत अच्छे हुए और पढ़ाई तो बहुत से मतलब सुपर से ऊपर चली रही है. तो इसीलिए पढ़ाई पे तो कोई भी अफेक्ट नहीं हुआ. बस ये है कि फीस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है. फीस बच्चे अभी देने में थोड़ा सा कतरा रहे हैं, तो वो भी हम लोगों का मोटिव फीस बिल्कुल भी नहीं है. हमारा मोटिव सिर्फ बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है और उनको बहुत अच्छा इंसान बनाना है. दैट इज वॉट वी स्ट्राइव फॉर. बिल्कुल, पेरेंट्स के सेटिस्फेक्शन के लिए भी किस तरीके की भूमिका होती है शिवानी? क्योंकि अगर स्टूडेंट बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनमें अगर दिख रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स फीस को लेकर भी प्रॉब्लम नहीं करते. वो भी एक जरूरी मैटर है. जी बिल्कुल, आपका कहना एकदम सही है कि जब उनको दिखता है कि उनका स्टूडेंट्स का फायदा हो रहा है तो वो उनके बच्चों का फायदा हो रहा है तो वो उसमें प्रॉब्लम नहीं करते. बट ये पैंडेमिक सभी के लिए आया हुआ है, सभी जगह थोड़ी तंगी है, तो इसीलिए मुझे लगता है ये प्रॉब्लम है. बट ये भी बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी एंड आई एम श्योर, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि चीजें सही होने लग गई हैं MP में भी और हम थोड़ी यू नो रिकवरी रेट की तरफ बढ़ रहे हैं एंड होपफुली इस साल के एडमिशंस भी बहुत स्टार्ट हो जाएंगे. हमारे SEE जो हमारा सेज एंट्रेंस एग्जाम है उसके रजिस्ट्रेशन तो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं, तो सॉर्ट ऑफ एडमिशन स्टार्ट हो ही गए हैं. तो हमारी वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल अवेलेबल है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. बिल्कुल, पूरा देश शिवानी इस वक्त आर्थिक संकट से गुजर रहा है, आर्थिक नुकसान भी हो रहा है. चाहे स्कूल कॉलेजेस की बात करें, तमाम दूसरे सेक्टर्स की भी अगर हम बात करते हैं, वो प्रभावित तो हुए हैं, नो डाउट, इस पर हम मना नहीं कर सकते. ऐसी स्थिति में अब चूंकि लॉकडाउन लग रहा है कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, तो इस लॉकडाउन को लेकर आप क्या सोचती हैं, कैसा लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कोरोना को रोकने के लिए, कोरोना का स्प्रेड रोकने के लिए जो मेजर्स लेना पड़े वो लेना पड़ेगा और हम लोगों को एज गुड ह्यूमन बीइंग्स एज गुड इंडियन सिटीजन्स हम लोगों को उसका पूरा पालन भी करना चाहिए. तो लॉकडाउन लगा है तो बिल्कुल लगना ही चाहिए. जब तक कोरोना ठीक नहीं हो जाता लॉकडाउन इज इनएविटेबल. बट एट द सेम टाइम काम नहीं रुकना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग सारा काम ऑनलाइन कर रहे हैं. वर्क फ्रॉम होम पे सारे सेजेंस आर वर्किंग एंड उतने ही डिलीजेंटली काम कर रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं जितने डिलीजेंटली वो ऑफिस में आकर करते हैं. बस यही है कि लॉकडाउन लगे लेकिन काम ना रुके, मतलब इकोनॉमी पे इफेक्ट बहुत जितना कम से कम हो उतना ज्यादा अच्छा है. बिल्कुल, इस कोरोना ने बहुत सारी चीजें बदली हैं. हमें लगता है कि ई लर्निंग जो शब्द था उसको अब विस्तार मिल चुका है और अब बच्चे भी समझ चुके हैं, बच्चे के पेरेंट्स भी समझ चुके हैं, और आने वाले समय में ई लर्निंग के माध्यम से हमें लगता है कि बहुत आसान हो जाएगा एजुकेशन. बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बल्कि आने वाले टाइम पे हाइब्रिड लर्निंग का कल्चर आने वाला है. मतलब ऑनलाइन एजुकेशन एज वेल एज क्लासरूम एजुकेशन, इन दोनों का बहुत ही प्यारा मिक्स होने वाला है, जो कि मुझे लगता है बेस्ट काइंड ऑफ एजुकेशन होगा
सो दैट स्टूडेंट्स बेस्ट तरीके से यू नो अपनी सारी इंफॉर्मेशन को गेन कर पाए. तो हाइब्रिड लर्निंग इज द न्यू लर्निंग. शिवानी, अगर इंजीनियरिंग कोर्स की बात करते हैं, कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें आपको ई लर्निंग से हटके क्लासरूम की जरूरत होती है, चाहे प्रैक्टिकल लैब की जरूरत होती है. आपको लगता है कि ऐसी पढ़ाई कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है या बच्चों को इसमें जो लर्निंग कैपेसिटी है वो डिस्टर्ब हुई है? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट सिर्फ अपनी टीचर से नहीं सीखता. मतलब आप तो जैसे इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, मैं उसके आगे मैं ये समझती हूँ कि स्टूडेंट सिर्फ अपनी टीचर से ना सीखकर अपने फ्रेंड से सीखता है, अपने पीयर ग्रुप से सीखता है, एक दूसरे के क्वेश्चन आंसर से सीखता है, ग्रुप स्टडी से सीखता है. वो सारी लर्निंग मेरे हिसाब से प्रभावित हुई है, जो कि बहुत नेसेसरी है. स्टूडेंट कॉम्प्रोमाइज करना सीखता है, दूसरों को समझना सीखता है, यू नो वो ह्यूमन वैल्यूज सीखता है, जो कि बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है अभी क्योंकि स्टूडेंट्स घर पर हैं. तो इसीलिए कभी भी ऑनलाइन एजुकेशन कैन नेवर रिप्लेस क्लासरूम एजुकेशन. दैट इज व्हाट माय स्टैंड इज. कई जगह देखा है शिवानी हमने कि ई क्लासरूम भी वो किए गए हैं, डिजाइन किए गए हैं, पर्टिकुलर एक टाइम दिया जाता है और सारे स्टूडेंट को क्लासरूम के जैसे और टीचर पढ़ाता भी है. क्या ऐसा भी कुछ आप लोगों ने किया हुआ है, कोई टाइम डिसाइड किया हुआ है जिस पर वो क्लासेस लगती हैं, बच्चे जुड़ते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ पूरा जैसा जब बच्चे कॉलेज आते हैं तब जो टाइमिंग चलता है वही एग्जैक्टली टाइम अभी भी है. सुबह 8:40 से शाम को 4 बजे तक क्लासेस लगती हैं. अलग अलग पीरियड्स होते हैं, जूम टाइप के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं क्लासेस के लिए. तो इसीलिए हमारा खुद का LMS भी है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. तो हम ऑल काइंड ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को हमने एक्सप्लोर किया है स्टूडेंट्स को बेस्ट तरीके से नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए. तो इसीलिए बिल्कुल वो तो चल ही रहा है. बिल्कुल शिवानी, बड़े ग्रुप के सेल्स ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आप. इस वक्त इस पेंडेमिक में एजुकेशन को लेके, ई लर्निंग को लेकर क्या सुझाव देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? मैं सारे स्टूडेंट्स को यही बस बोलना चाहती हूँ, स्टूडेंट्स इनफैक्ट पेरेंट्स को भी यही बोलना चाहती हूँ कि हिम्मत करने वाले की कभी हार नहीं होती. बस हमें कभी हार नहीं मानना, कभी नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं लानी, और जब हमने जो ठान लिया उसको पाकर ही रहना है. ये मेरा मैसेज है. और जब तक वो हम पा ना लें तब तक रुकना नहीं है, तब तक थमना नहीं है. चाहे कोरोना आ जाए, चाहे कोई भी डिजीज आ जाए, चाहे हम बस आगे बढ़ते रहें हमेशा. और जब वो चीज मिल जाए तो हम अपना गोल और हायर सेट करें, क्योंकि स्काई इज द लिमिट. और हमें कभी भी रुकना नहीं है, बस सक्सेसफुल बन के दिखाना है. एंड वी कैन बी सक्सेसफुल इफ वी वांट टू. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए.